अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है, और मज़ेदार रेसिपी ये है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बहुत ही दिनों से फरमाइश थी कि कुछ डिफरेंट टाइप की सैंडविचेस, जो है ना, बच्चे नॉर्मल सैंडविचेस का घर, स्प्रेड वाले सैंडविच का घर तंग आ चुके हैं, तो कुछ अच्छा सा, कोई मज़ेदार सा जो बड़े और बच्चे दोनों शौक से खाएं। तो इंशाल्लाह आज की सैंडविच आप खाएं और मज़े करें। इस सैंडविच का नाम भी बड़ा मज़ेदार है, इसका नाम है हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविच। हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविच जो है वो कैसे बनेगा, बहुत ही मज़ेदार है, और इसकी तैयारी हमने पहले से करके रखी हुई है। और इसके साथ अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार हो रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी, और इसके साथ साथ आज की रेमेडी भी बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों के जिस्म में विटामिन डी की कमी आजकल हो रही है, हमारे पूरे पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 40% लोगों के जिस्म में विटामिन डी की कमी है, और इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से बॉडी में, हड्डियों में बुरबराहट पैदा होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा हमें जो है बहुत सारे मसले मसाइल, जैसे डायबिटिक का मसला हो जाता है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बॉडी पेन बच्चों में भी हो रहा है और बड़ों में भी हो रहा है। तो प्लीज़ अगर कभी बच्चा शिकायत करे कि हमारी बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, या बड़ा कोई शिकायत करे कि मेरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, या पेन किलर खा रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवा लें, ठीक है, और इसको फौरन डॉक्टर से रजू करें। लेकिन इसी के साथ साथ आप विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में नहीं है, तब भी आप बच्चों को, बड़ों को एक ऐसी जड़ी बूटी है वो दे सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और बॉडी स्ट्रांग रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, और आप हमेशा बहुत अच्छे हंसते मुस्कुराते, खिलखिलाते और एक्टिव जो है ना वो रहेंगे। बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप हिस्सा ले सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, और अपने आप को बड़ा फिट रख सकते हैं, वो बड़े हों या छोटे हों। तो वो जड़ी बूटी के बारे में आज हम प्रोग्राम के एंड में आपको बताने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और हम बना रहे हैं हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविचेस। इसको बर्गर में भी आप बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो पहला काम किया है वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन आधा किलो बीफ, और इसे हमने बॉइल्ड किया है सोया सॉस, आधा किलो में 3 खाने के चम्मच सोया सॉस, और इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन फ्रेश ताज़ा 1 खाने का चम्मच डाला, और उसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। और ये जो है सोया सॉस में नमक होता है, तो नमक अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, और पानी जो है इसमें वो इतना ही होना चाहिए कि जो इसी में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लें, और इसके बाद इसका रेशा कर लें, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी तैयारी। इसकी तैयारी करने के लिए इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसको हम बटर में हल्का सा सौते करेंगे, और इसके बाद इसमें मुख्तलिफ थोड़े से स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया बटर तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और उसके बाद हमने इसमें, इस बटर को ना जले इसलिए इसमें हल्का सा ऑयल ज़रूर डालना चाहिए, बटर अकेला जो है वो जल जाता है, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें 1/4 चम्मच के करीब जो है ऑयल डाल दिया, और इसे हमने पूरे पैन को हमने ग्रीसी कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो बीफ है ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, बीफ को जो हमने इसको वो किया हुआ है, शेरेड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसमें बटर के साथ इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बीफ हो जाएगा। अच्छा सॉफ्ट, बिल्कुल इसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो, जैसे कि मुंह में घुल जाए, ठीक है, इस टाइप का इसको बॉईल करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, बहुत सिंपल सिंपल सादे सादे से मसाले हैं, कुछ ज़्यादा ओवर इसमें मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है, और पेपरिका जिसको हम तलार मिर्च भी कहते हैं वो 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया।
नमक वैसे तो है इसमें, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा एक चुटकी के करीब नमक भी इसमें ऐड कर दें। और सोया सॉस तो हमने डाला था, लेकिन थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड करेंगे, इसकी खुशबू ज़रा अच्छी आती है। 2 से 3 चाय के चम्मच, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। और इसके बाद इसको करना है मिक्स। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपको बटर की वजह से और थोड़े से जो मसाले हैं उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, ये अब आप ये सोच रहे होंगे या मैं सोच रहा हूँगा या जो भी सोच रहा होगा वो ये कि ये तो सैंडविच में बिखर जाएगा, ठीक है, इसकी तो बाइंडिंग कैसे होगी, ठीक है। उसके लिए हमने इसको पहले तो पका लेना है अच्छी तरह से, कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का। इसके बाद 2 से 3 अंडे जितनी ज़रूरत है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि ये सारा बाइंड हो जाएगा ताकि सैंडविच से ना निकले, ठीक है। ये हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं 2 से 3। ठीक है जी, आई थिंक 4 चाहिए होंगे, एक और डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने 4 अंडे इसमें शामिल कर दिए और इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया। और अब आप देखेंगे कि ये जो बीफ है, एक तो टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, दूसरा ये आपस में इसमें चिपक पैदा हो जाएगी, ठीक है जी। ओवर कुक नहीं करना है, याद रखिएगा, बस इतना पकाना है कि ये मिक्स हो जाए आपस में और कच्चा ना रहे बीफ, ठीक है। अंडे जो, ठीक, ये देखें बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है, तेज़ आंच पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया तैयार कंप्लीट सैंडविच के लिए बीफ। और अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है और इसकी एक जो प्याज होती है ना वो हम तैयार करेंगे, जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है, जो इसका टेस्ट बनाती है, ठीक है। और ये पैन देख सकते हैं आप कैमरे में, बिल्कुल क्लियर है पैन, ठीक है। और ये पैन जो है क्लासिक, के से क्लासिक, ठीक है, इनका पैन है और ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है हमारे खानों के अंदर और अच्छी क्वालिटी का पैन 70% डिस्काउंट पे आजकल मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो आप जल्दी करें और ये पैन जो है परचेज़ करें और अपने मज़े मज़े के खाने तैयार करें। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्याज। और कैसे जाएगी प्याज, बटर इस्तेमाल होगा तो 1 टीस्पून, ज़ाहिर बात है इसमें हमने बटर के साथ ऑयल ज़रूर डालना है। और ये देख लें, इसमें हमने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने शामिल कर देना मोटी मोटी कटी हुई प्याज, ये देखें स्लाइस में है लेकिन मोटी मोटी सी कटी हुई, तकरीबन 1 बड़ी प्याज, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ इसके टेस्ट को चेंज करने के लिए और इसका कलर देने के लिए इसमें जाएगा सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये सारा इसके साथ पक जाएगा, जब ये ड्राई हो जाए प्याज, बिल्कुल इसमें सॉफ्ट भी हो जाए ड्राई भी हो जाए, उसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पैन में जो सैंडविचेस के लिए डबल रोटी बड़े साइज़ की, ठीक है, वो है और वो हम इसमें सेक लेंगे। फ्रेश ताज़ी डबल रोटी होनी चाहिए, किनारे ज़ाया ना करें, इसके साथ साथ बनाएंगे इसको, ठीक है। इसको आप ग्रिल पैन पे, नॉर्मल पैन पे, सब पे कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा इसमें आपने ऑयल दिया और 2 से 3 पीसेस डबल रोटी के अच्छे फ्रेश ताज़ा होने चाहिए, प्लीज़ इस बात का अपने ख्याल रखना, ठीक है। और एक पैन में हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है, और हल्का सा कलर देंगे ताकि इसको बनाने में आसानी हो जाए। अब इसकी होगी तैयारी और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, बड़ों के लंच बॉक्स में, सब में डालकर दे सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि ये दोनों को पसंद आएगा, बच्चे बड़े, बल्कि आप घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो रही है उसके अंदर भी आप बेधड़क खुश होकर सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी।
ये देख लें हल्का हल्का सच में कलर आना शुरू हो गया और मैं इसे दूसरी तरफ पलट रहा हूँ, ठीक है। और इसे आप दोनों तरफ से पका लेंगे। ये देखें प्याज को हमने बटर में और सोया सॉस, सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा जो है आप वो भी शामिल कर सकते हैं, क्या नाम है, ब्राउन शुगर, तो उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। हल्का सा फिर ऑयल ऐड किया और फिर हमने इसमें 3 से 4 बबल रोटी, ठीक है जी, और ये बिल्कुल ड्राई होने तक पकाएंगे, ठीक है। सोया सॉस इसी में ड्राई हो जाए, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जी हमारी फाइनली तैयार हो रही है। और ये मैंने आपसे जैसे कहा कि आप इसे जो क्या कहते हैं बर्गर होता है उसके अंदर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों में सर्व किया जा सकता है, बर्गर में भी और इसमें भी। अब ये हो गई प्याज हमारी फाइनली डन, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा डबल रोटी तैयार हो गई है और अब इसकी जो है ना तैयारी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें कब कब डालनी है, कैसे डालनी है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये की है कि चटनी जो है उसमें ऐड कर रहे हैं हम, तो मर्ज़ी है आपकी। मैं डाल रहा हूँ इसमें ग्रीन चटनी, पुदीने, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस, ये डालकर एक गाढ़ी गाढ़ी चटनी बनाई है मैंने, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप ऐड कर लें या केचप वगैरह से ही बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चटनी ज़रा अच्छी लगती है इसके साथ, तो मैंने चटनी को एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है। पहले आपने चटनी डाल दी, उसके बाद सलाद पत्ता या फिर आइसबर्ग हाथ से तोड़ना है आपने, ठीक है। इसको छुरी नहीं लगानी वरना ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश और क्रिस्पी क्रिस्पी ये आपने ऐड कर दिया और इसके बाद आपने इसके ऊपर बीफ सेंटर में रखें, जरूरी नहीं कि साइड में आप डालें, ठीक है। ये आपने सेंटर में, अच्छा ये बीफ अभी थोड़ा गर्म है, इसी के साथ साथ आपने इसमें चीज स्लाइस में कटे हुए चीज ऐड कर दिया आपने, डाल दिया इसमें। इसके बाद आपने चिली गार्लिक सॉस या केचप जो भी आपके पास है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस, 1 से 2 बारीक, बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर स्लाइस। अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर ये निकल जाएंगे सैंडविचेस में से, ठीक है। इस तरह से सेंटर में रख दिया आपने। ये है हमारे पास खीरे, खीरा जो है ये असल में जो सिरके वाला खीरा होता है, ठीक है। कुकम्बर, वेनेगर कुकम्बर जिसको कहते हैं, वो ये मेरे पास है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं इसको। सिरके में छोटे वाले जो खीरे होते हैं वो आप डाल लें। अच्छा इसमें मैं डाल रहा हूँ ये है हेलिपिनो, जो सिरके वाली हरी मिर्चें होती हैं, ठीक है। ये वो है मैंने ऐड कर दिया, बहुत ही टेस्टी, यकीन करें बस आउट क्लास है ये। और ये आप
बनाएं। फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये जो हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविचेस बड़े बच्चे बुजुर्ग खवातीन सबको बहुत पसंद आएगा। आखिर में इस पे तड़का लगेगा, ये है मायो। इस तरह से अच्छा जो बीफ होता है उसके साथ ये ग्रीन चटनी और मायो जो है ना, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मायो आखिर में मैं इसमें डाल दूंगा केचप। पहले हमने गार्लिक चिली सॉस इस्तेमाल किया था, अब मैं डाल लूँ केचप। ये हो गया फाइनली डन। नाजरीन ये सैंडविचेस बनाएं, फुल हैवी वेट सैंडविचेस हैं। अगर बच्चे 10 साल तक के बच्चे हैं या 12 15 साल तक के बच्चे हैं, एक सैंडविच भी काफ़ी है लंच बॉक्स के लिए। और हाँ, मेरी तरह हैवी वेट बच्चा है कोई तो उसके लिए तो फिर ये आप थोड़ा दो सैंडविचेस भी दे सकते हैं, ठीक है जी। और आखिर में लास्ट तड़का जो है वो है ये प्याज। इसका जो फ्लेवर है ना, आप यकीन करें, इस सैंडविच को 4 चांद बल्कि 8 चांद लगा देगा। ये जो सोया सॉस में और बटर में बना हुआ प्याज जो है ना, कच्ची नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बनी। अब इस पर रखेंगे हम दूसरा पीस और इसको बीच में से काटेंगे और सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और वो है हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविच। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सैंडविच, बहुत ही टेस्टी फुल्ली लोडेड सैंडविच है ये। और इसका जो फ्लेवर है ना, वो आप जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है। इसको देखकर मुझे पसीना आना शुरू हो गया इसकी खूबसूरती, ठीक है। और इसके साथ एक और खूबसूरत रेसिपी तैयार होने जा रही है, और वो है चिकन स्टिक अल्फ्रेडो पास्ता। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और बेतहाशा फरमाइश थी कि वाइट सॉस से मैं बनता है, तो इसलिए ये अल्फ्रेडो पास्ता जो है ना वो लाजमी तैयार करें। तो आइए चलते हैं और अल्फ्रेडो पास्ता तैयार करते हैं। और इसमें जो पास्ता है उसको हमने बॉयल करके रख लिया है, और इसमें आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप पेनी पास्ता, इसमें आप जो रिबन पास्ता, स्प्रिंग पास्ता, स्पगेटी, हर तरह की चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। पास्ता होना चाहिए, नूडल्स ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम बनाएंगे चिकन को अलग बनाएंगे और पास्ता अलग तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने ग्रिल पैन ले लिया, और आपको बता दूँ कि ग्रिल पैन और ये वाला जो पैन है, ये दोनों क्लासिक जो किचन वेयर बनाते हैं उनके तरफ से है। और ये क्लासिक जो है ये के वाला क्लासिक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्लासिक लिखा हुआ है। और इनका जो नॉनस्टिक पैन है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और इसमें आप मज़े के खाने कम ऑयल में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसको हमने ग्रिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद पास्ता भी साथ साथ बनता जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन फ्ले, और इसको हमने पीसेस में करने के बाद इसे हैमर कर लिया, ठीक है। और इसमें हमने डालना है हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चुटकी, और चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, और गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसलिए कि ग्रिल पैन में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऑयल या बटर
दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आप डायरेक्टली चिकन में ऐड कर दें, एक से डेढ़ टेबल स्पून, ठीक है जी। और इसे हमने कर लेना है मिक्स, इसको मैरिनेट करके आप रख लें तकरीबन एक घंटे के लिए, और उसके बाद इसे आप ग्रिल पैन पर ग्रिल कर लें, ठीक है जी। इस तरह से ये नॉन स्टिक ग्रिल है, तो एक तो आयरन वाला ग्रिल आता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन नॉन स्टिक में एक फ़ायदा ये है आपका ग्रिल में कि ये आपका इसमें ऑयल भी कम लगता है, दूसरा ये कि इसमें चिपकने का ख़तरा नहीं होता, ठीक है। ये आप नॉन स्टिक वाला क्लासिक का ही जो है ना ग्रिल पैन ले सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास पास्ता बनाने के लिए हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और इसमें हम शामिल कर देंगे पास्ता, ठीक है जी। ये हमने 8 से 10 मिनट बॉईल किया इसको, और इसके बाद हमने इसे ठंडे पानी में डाल दिया, बॉइल्ड पानी में डाला। जब ये बॉइल्ड हो गया 8 से 10 मिनट, उसके बाद हमने इसको ठंडे पानी में डाला, वॉश किया। वॉश करने के बाद जब ये ठंडा हो गया तो हल्का सा ऑयल लगाकर इसे रख लिया हमने, ठीक है, और इसे आप हल्का सा सौते कर लें। इसके बाद इसमें स्पाइसेस जो हैं वो क्या ऐड होंगे, सिर्फ काली मिर्च जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक हसबे ज़रूरत, ठीक है जी। ये सिर्फ हमने ये डाला है इसके अंदर और इसे मिक्स किया, और इसके अंदर शामिल कर दी यखनी, चिकन की यखनी 1 कप के करीब, ठीक है जी। और दूसरी तरफ चिकन जो है उसको हमने पलट दिया, ठीक है जी। ये देखें इसके ऊपर अच्छा सा निशान आ गया, जो ग्रिल करने वाला निशान है। अच्छा, एक तरफ से ये पक चुका है, और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ये थोड़ी देर में तैयार हो जाता है, बस दूसरी तरफ थोड़ा सा हमने तैयार करना है, ये तैयार फाइनली हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि यखनी डालने के बाद फौरन आपने इसमें शामिल कर देना है क्रीम 1 कप के करीब, 1 कप आपने क्रीम शामिल किया, और इसे आपने किया मिक्स, ठीक है। पहले यखनी डाली, उसके बाद क्रीम डाला, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें मैं इसमें नहीं डाल रहा जो आपको प्रॉब्लम करे। जब ये क्रीम और मसाले और यखनी सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इसमें आपने दूध ऐड कर देना है तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है। और इसी दौरान ये हमारे चिकन जो है वो फाइनली तैयार हो चुकी है, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही बारीक स्लाइस करने हैं और हैमर कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर हैमर से थोड़ा सा बीट कर लेना, तो ये बहुत ही अच्छे पीसेस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें ये देख लें उबाल आना शुरू हो गया है, ठीक है, जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसमें मोज़रेला एंड चेडर दोनों का मिक्सचर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी तकरीबन 250 ग्राम के करीब हमने मिक्स कर दिया और इसको कर दिया मिक्स। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए कि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, फिर ये खाने में मसला होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना गाढ़ा बना लेते हैं, जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा इतना सख्त हो जाएगा कि ये चमचे से टूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो हमेशा अल्फ्रेडो पास्ता बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इसलिए कि आपने वो टाइम भी कैलकुलेट करना है
जो इसे डिश आउट करने के बाद का जो टाइम होता है ना, उसको भी कैलकुलेट करना है। नहीं कि ठंडा होने के बाद भी ये आपका ज़बरदस्त रहे। इसके लिए हमने लेना है प्लेटर और एक खुले प्लेटर के अंदर इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, वैसे तो इसमें जो है पासले सबसे अच्छा जो चीज़ जाती है वो पासले, ठीक है। पासले अगर ना हो, इसलिए कि हर जगह पे पासले होता नहीं है, तो इसमें आप कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया या हरी प्याज दोनों में से कोई भी चीज़, तो सोया एक चीज़ होती है डेल जिसको कहते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर आदमी को अपना अपना टेस्ट होता है, तो सबसे अच्छा तो ये है कि आपको फ्रेश जो है वो मिल जाए, क्या नाम है, पासले, सबसे अच्छा तो वो है। लेकिन नहीं मिले तो फिर आप इसमें हरा धनिया, ये देख लें इतना गाढ़ा रखा है मैंने इसे, ठीक है। इसके बाद इसे कर देंगे डिश आउट, ठीक है। और आराम से देखें बर्तन से निकल आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसको फैला दें, और अब मैं जो चिकन हमने तैयार की है गार्निश कर देते हैं। इस तरह से अपने गार्निश कर दी चिकन को, और आखिर में मेरे पास जो है हरी प्याज है और थोड़े से ट्रायंगल में काटा हुआ इसको मैंने, और ये ऊपर से हम डाल देंगे। और फिर मैं बता दूं कि आपको जो चीज़ पसंद है, जैसे कि पासले या फिर हरा धनिया या फिर सोया जो है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप इसमें सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है ये, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाली है। तो हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविच और अल्फ्रेडो पास्ता विथ चिकन स्टेक। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपीज जो है तैयार हो चुकी हैं आप लोगों की बेहद फरमाइश पर। मैंने आपके लिए बनाया है हंटर बीफ बारबेरियन सैंडविच। इसको आप बर्गर भी बना सकते हैं, इसका सैंडविच तो आउट क्लास है, और इसको स्कूल के बच्चों के लिए लंच बॉक्स में, बड़े बच्चे जो होते हैं ऑफिस जाने वाले हैं उनके लंच बॉक्स में, या घर में कोई पार्टी हो रही है तो आप बहुत सारा वाह समेटना चाहते हैं, तो वाह समेटने के लिए तो ये ज़रूर बनाएं। और इसके साथ बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, बच्चे और बड़े और बुज़ुर्ग हर तरह के लोगों की पसंदीदा, और अल्फ्रेडो पास्ता विद चिकन स्टेक के साथ जो है ना वो हमने तैयार किया। ये भी ऐसी रेसिपी है कि ये हर तरह के एज के लोग शौक से खाते हैं, मज़े लेकर खाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की मैंने जो आपको ना मिल रही हो मार्केट के अंदर, ठीक है। और आपको ऑप्शंस भी मैंने बता दिए, तो वो तमाम ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान, जैसे WHO के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, इसलिए कि जब हमारे पाकिस्तान में कोविड ने कदम रखा तो उस वक़्त ये नाम बड़ा मशहूर हुआ WHO। हालांकि ये तो बहुत पुराना एक इदारा है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही होती हैं हेल्थ के बारे में उसकी रिपोर्ट भी देता है, और जिन चीज़ों को बैंड करना होता है उसको बता देता है कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कुछ लोग, कुछ ममालिक उसको अपनाते हैं, कुछ लोग, कुछ ममालिक उसको नहीं अपनाते हैं। बहरहाल उनका अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो अपनी रिपोर्टें जो है ना जारी करता रहता है। तो WHO को मॉनिटर करना चाहिए, अगर आप अच्छी सेहत
जो है ना लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल सेफ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं उनकी। तो उनके मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर मैं तो है अभी हार्ट की बात नहीं कर रहा, हार्ट अटैक रेशो या जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है उसका रेशो भी मैं बात नहीं कर रहा, वो भी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। क्यों है बढ़ा हुआ वो भी बताऊँगा बाद में मैं। नमक की इनटेक क्यों ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे और मैंने बताया भी है आप लोगों को। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आजकल हो रही है वो है हड्डियों का भुरभुरापन, और ऐसे हो जाती है कि यूं करके उंगली मारे तो आपकी हड्डी टूट जाती है। ये एक बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है इसको, और ये बीमारी जो है ना ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। हड्डियों की बीमारियां में बहुत सारी और भी नाम हैं इसके, लेकिन ये कि इस तरह के बहुत सारी हड्डियों की बीमारियाँ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। कम उम्री में जो है ना बच्चे बॉडी पेन की शिकायत करते हैं, तो लाजमी आपको चाहिए वो बच्चा 10 साल का हो। मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने शिकायत की 12 साल की उम्र में, तो मैंने उसका टेस्ट करवाया तो पता चला कि वाइटामिन डी की कमी है। तो इसके कुछ इंजेक्शन आते हैं, 4-15 दिन में एक एक इंजेक्शन लगता है जिससे आपका वाइटामिन डी रिकवर हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा एक दफ़ा रिकवर होने के बाद दोबारा भी कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो रिकवर हो जाए तो मुस्तकिल वो सही रहे। इसलिए कि कभी कभार साल में 6 महीने में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। और अगर बच्चा शिकायत कर रहा है या बड़ा शिकायत कर रहा है, यंग एज में शिकायत कर रहा है, कोई ख़वातीन शिकायत कर रही हैं, तो फौरी तौर पर हमें चाहिए कि हम वाइटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवा लें। अगर आप चाहते हैं कि बचपन से ही हम कोई अपने बच्चों को कोई ऐसी खुराक दें, कोई ऐसी चीज़ दें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और बच्चा जो है ना वो हड्डियों के मामले में तंदुरुस्त तवाना रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए, तो और हेल्दी रहे, वो हड्डियों में मसला ना हो। और जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो हम अक्सर शिकायत ये भी करते हैं कि बच्चे का कद छोटा रह गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको एक जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, सस्ती है और अच्छी क्वालिटी के ले लें, और उसका नाम है सफ़ेद मूसली। उसका नाम है सफ़ेद मूसली, ये हर पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस वक्त मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ इसे, और इसे गौर से देख लें, इसमें कोई सुराख उराख नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल अच्छे कलर में, वाइट कलर में, ये देखें बिल्कुल अच्छे। इसमें पुराना वाला भी है, ये देखें ये पुराना है और ये बिल्कुल नया है, ठीक है। तो मैं दोनों लेकर आया हूँ ताकि आप देख लें। तो ये हमने ये वाला लेना है, सफ़ेद वाला, ये नहीं लेना, ठीक है, ये सफ़ेद वाला लेना। अगर ये बीच में एक आध पीस आ भी जाए इसको निकाल लें, ये लेकर साफ़ करवा कर इसका पाउडर बना लें। छोटे बच्चे यानी कि 4-5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को आधा चम्मच दूध में मिलाकर, नीम गर्म दूध हो या सादा दूध हो, ठंडा दूध हो, उसमें आप मिलाकर दे सकते हैं। और बड़े, उनको महसूस होता है कि यार हमें विटामिन डी की कमी है, हमने इंजेक्शन तो लगवा लिया है लेकिन आइंदा ना हो, तो वो चाहें तो वो मुस्तकिल तौर पर एक चाय का चम्मच एक गिलास दूध में मिलाकर रोज़ाना का बुनियाद बना लें अपने पीने का। इससे कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ी बूटी है और ये आपको हेल्दी रखेगी, आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगी। आजकल कमर का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने में से लेस ख़त्म हो जाना, कमर के हड्डियों के अंदर L4, L5, L6 जो होता है कमर की हड्डी, उसमें प्रॉब्लम आ जाना, ये आसानी से हो जाता है, कभी भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन बड़े बड़े मसलों में ना फंसूँ और ऑपरेशन या कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं हो पड़े, और पेन किलर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुदारा उनको चाहिए कि बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और ये डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि ये हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा, वरना पेन किलर जो होता है किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, तो किडनी फेल होने का भी ख़तरा होता है। तो ऐसे मेडिसिन भी हैं जो किडनी पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, मशवरा ज़रूर कर लिया करें, हर मुँह उठाए दवाई को इस्तेमाल करना शुरू ना कर दिया करें, ठीक है ना, पूछ लिया करें इसका कोई ऑल्टरनेट है तो बता दें, डॉक्टर आपको बता देगा कि भाई ये अच्छा है, ये आपकी किडनी पर इफेक्ट नहीं करेगा, ये करेगा। अगर इससे सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे एक चाय का चम्मच दूध में मिलाकर, गर्म या ठंडे दूध में मिलाकर आप ले सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।